नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर बीन्स के बारे में, जिसका नाम है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स एक ऐसी सब्जी है जो कि अमेरिकन, मैक्सिकन, चाइनीज, जापानी, उत्तरी और दक्षिणी भारतीय यूरोपियन प्रायद्वीप के लोगों के भोजन में सामान्यतः मिल ही जाती है। बीन्स हरे रंग की फलियां होती है। यह आपको ताजा या सूखा हुआ भी मिल सकता है। पोषण से भरपूर बीन्स में प्रोटीन तथा घुलनशील फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है और साथ ही साथ वसा कम होता है। बीन्स वसा से मुक्त होने के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होता है, विशेष रूप से विटामिन और खनिज का। जब भी सामान्य पोषक आहार लिया जाता है जिसमें बीन्स का उपयोग किया गया हो, तो यह हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और यह वजन को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। बीन्स में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। यह आपको स्वस्थ तथा संतुलित रखता है। फॉस्फोरस तथा मैग्नीशियम शक्तिशाली हड्डियों के लिए आवश्यक है और मैग्नीशियम के साथ पोटेशियम रक्त के दबाव के स्तर को नियंत्रित रखता है, आपके पेट को भरा रखता है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण यह एक ऐसा स्नैक्स है जो आपके पेट को भरा रखता है, जिससे आप खाने की ओर आकर्षित नहीं होते हैं और आपका वजन नियंत्रित रहता है। हृदय के स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, जिसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। बीन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से अन्य भोजन पदार्थों से रक्त में शक्कर का स्तर बढ़ जाता है, बीन्स खाने के बाद ऐसा नहीं होता है। बीन्स में मौजूद फाइबर रक्त में शक्कर का स्तर बनाए रखने में मदद करता है और बीन्स की इस खासियत की वजह से मधुमेह के रोगियों को बीन्स खाने की सलाह देते हैं। ऐसे उदाहरण भी है कि बीन्स का जूस शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। इस वजह से जिन्हें मधुमेह है या मधुमेह का खतरा है, उनके लिए बीन्स खाना लाभदायक होगा। बीन्स, नट्स और अनाज का नियमित सेवन करने से व्यक्तियों में कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रचुर मात्रा में नियमित रूप से बीन्स, नट्स और जैसे खाद्य पदार्थों को खाता है, तो उसमें कैंसर की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती है। बीन्स में फॉस्फेट नाम का एक तत्व पाया जाता है जो ट्यूमर को पनपने से रोकता है। चूँकि जब बीन्स और नट्स जैसे खाद्य पदार्थों को व्यक्ति खाते हैं, तो उसके पाचन के दौरान ही यह तत्व निकलकर शरीर के आंतरिक अंगों में घुलता है, जो कैंसर ट्यूमर जैसी घातक और बेहद खर्चीली बीमारियों से होने से बचाता है। कैल्शियम हड्डियों, दांतों के विकास के लिए आवश्यक है। इसके अलावा जब हृदय के कार्य की बात आती है, तो उसके लिए यह एक आवश्यक पोषक तत्व है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हम आशा करते हैं कि फ्रेंच बीन्स से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं, तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।